नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के आंसर की को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24 तारीख को, 24 अगस्त को एग्जाम हुआ था, 31 अगस्त को आंसर की जारी हो चुका है। तो आंसर की को चेक कैसे करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है, बुकलेट वाले लिंक पर। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस पर सबसे पहले क्लिक कीजिएगा। शिफ्ट वन का पहले मैं दिखा देता हूँ, शिफ्ट वन पे क्लिक कीजिएगा। अब शिफ्ट वन का ई सीरीज पे चले जाइएगा। शिफ्ट वन का ई सीरीज पे आपको चला जाना है। उसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट वन के ई सीरीज पे हम चले गए, ठीक है। तो शिफ्ट वन का ई सीरीज मैंने पहले से खोला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Beta 21 यहाँ खुला हुआ है। अब ये मैंने आंसर की खोला हुआ, तो सवाल ये है कि आंसर की कैसे खोलेंगे। ये देखिए 31/8 को एक विज्ञापन आया हुआ है आंसर की के रिगार्डिंग। सबसे पहले नोटिस बोर्ड में जाएंगे और नोटिस बोर्ड में जैसे जाएंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपको आंसर की के बारे में बताया गया कि 24 तारीख को एग्जाम हुआ था, 31 तारीख को आंसर किया गया, वो बताया गया। अब ये मास्टर सेट आंसर की है, तो मास्टर सेट किसको मान लिया गया, ए को मान लिया गया। तो आपको सेट ए को खोलना है, जो मैंने पहले से खोला हुआ है सेट ए। यहाँ पे देखिएगा सेट ए मैंने पहले से खोला हुआ है, ठीक है। तो सेट ए को आपको खोलना है और सेट एक से आपको मिलाना है। तो सेट ए को इन्होंने क्या किया, मास्टर सेट मान लिया है, आप इसे मिला सकते हैं। इसी तरह सेट बी का होगा, तो सेट बी का क्या है, हम देखते हैं। शिफ्ट बी का जाते हैं, तो शिफ्ट बी का जब हम जाएंगे यहाँ पे बैक हम जाते हैं यहाँ शिफ्ट बी का, ठीक है। तो यहाँ मेरा नेट शायद अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है ना, मैं नेट अच्छा चल नहीं रहा है। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ नेट को और आप लोग को मैं बताता हूँ। तो सेट बी का जो नाम होगा वो गामा होगा। सेट बी का नाम क्या होगा, गामा होगा। आप लोग को गामा सेट में जाना है, ठीक है, यहाँ गामा सेट में जाना है सेट बी में, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, अभी कनेक्टेड हो गया। अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट टू में चले जाना है आपको, और शिफ्ट टू खुलने में टाइम लग रहा है। शिफ्ट टू में मास्टर सेट मैंने बोला कि ए माना हुआ है, तो ए को खोल लीजिए। और यहाँ पे जब आप मिलाइएगा, गामा देखिएगा, गामा लिखा हुआ है, गामा A21, मतलब गामा ए मतलब क्या हो गया, ए को मास्टर सेट माना गया। अब आंसर आप मिलाइएगा तो आपको मिल जाएगा, देखिए गामा 21 यहाँ देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से क्रम में भारत आए थे। तो ये तो क्वेश्चन का क्रम देखना है, कोई आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा जिसका आंसर पता होगा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि प्लासी के युद्ध में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इससे आपका प्रूफ होता है कि जो मास्टर सेट माना गया, सेट ए को माना गया दोनों शिफ्ट में, उससे आपको मिलान करना है कि सेट ए में क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।